सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति की बैठक की। इस बैठक में सत्र को लेकर पत्रकारों से सुझाव भी लिए गए। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये स्पीकर बात कर रहे थे पत्रकार दीर्घा और बाकी चीजों को लेकर सुझाव भी लिया उन्होंने। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी बैठकें हैं आज, बैठकों का दौर चलने वाला है क्योंकि कल से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इसे लेकर आज बैठकों का दौर जारी है। सत्र को लेकर ये बैठकें हैं, सत्ता पक्ष की बैठक अलग, विपक्ष की बैठक अलग, साथ ही सर्वदलीय बैठक भी होनी है। इस बीच आपको बताया कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और जैसा कि पता है आपको कि स्पीकर भी सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। तो ये तमाम मीटिंग्स हैं आज मॉनसून सत्र को लेकर। और चलिए हमारे साथ सहयोगी विपिन जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन देखिए, कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है लेकिन उससे पहले आज चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें या फिर स्पीकर की ही बात करें जो सर्वदलीय बैठक करने वाले, बैठकों का दौर आज चल रहा है, चलेगा और एक रणनीति तैयार की जाएगी सब तरफ से मॉनसून सत्र को लेकर। देखिए, पांच दिनों का झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और इसी सत्र को देखते हुए आज लगभग सभी राजनीतिक दलों की बैठकें हैं। फिलहाल अगर बात करें तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब से कुछ मिनटों के अंदर यहां शुरू होने वाली है और इस बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह, जो की विशेष तौर पर दिल्ली से पहुंचे हैं, उनकी मौजूदगी में यह बैठक होनी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री मौजूद है। कई विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुछ विधायकों का इंतजार हो रहा है। तो काफी महत्वपूर्ण सत्र को लेकर भी ये बैठक है और खास करके जिस तरह से बीते दिनों जो बातें उभर कर सामने आई थी कि जो विधायक हैं वो कई मुद्दों पे संगठन और सरकार से कुछ कुछ मसलों पर जो है वो खफा चल रहे हैं, तो इन तमाम चीजों पर आज मंथन होना है कांग्रेस विधायक दल की इस बैठक में। और साथ ही साथ सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि कांग्रेस यहाँ रूलिंग पार्टी है और किस तरह से सदन के अंदर विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा, तमाम चीजों पर मंथन फिलहाल जो है चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री आवास में रात 7 बजे से यूपीए विधायक दल की भी बैठक है जहां पूरा सत्ता पक्ष एकजुट होकर किस तरह से विपक्ष के हर सवालों का जवाब सदन के अंदर देगा, इस पर भी मंथन होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक होनी है। वहीं जो राज्य की सबसे प्रमुख विपक्षी दल है बीजेपी, बीजेपी ने भी आज अपने विधायक दल की बैठक आहूत की है। शाम 7 बजे से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक होनी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सदन किस तरह से सुचारू रूप से चलेगा इसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री के अलावा जो विधायक दल के नेता है जिनका प्रतिनिधित्व झारखंड विधानसभा में है वो तमाम लोग रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कल से जो विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, इस मॉनसून सत्र को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है पूरी की जा चुकी है। सदन में और विधानसभा के परिसर में प्रवेश करने को लेकर भी कई नए गाइडलाइन जो है वो विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण सत्र जो 5 दिवसीय होना है जिसकी शुरुआत कल से हो रही है, इस मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार को सदन में लाना है, चाहे वो निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण की बात करे, मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की बात करे या फिर जो नगर पालिका संशोधन विधेयक को बीते कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है उसकी बात करे, तो कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी सरकार को करने हैं। और इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर का पहला सप्लीमेंट्री बजट भी 6 तारीख को सदन में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव पेश करेंगे। इसके लिए और इस लिहाजा से जिस तरह से अगर कहा जाए कि मुख्यमंत्री के विभागों के लिए भी प्रभारी मंत्रियों को जवाबदेही सौंप दी गई है, तो लगभग तैयारियां हो चुकी है। अब इंतजार है कि सदन कल जब आहूत होगा तो सदन में किस तरह का नजारा पहले दिन नजर आएगा जिससे यह तय होगा कि मॉनसून सत्र किस ओर जाएगा। जी बिल्कुल विपिन, मतलब जिस तरह से विपक्ष ने यह कहा है कि कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी, तो सत्ता पक्ष
विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। रूलिंग पार्टी चाहे आप जेएमएम की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी भी है, लेकिन इन दोनों जो प्रमुख पार्टियां, ये दोनों नेताओं को आप, दोनों पार्टियों के नेताओं को सुने, दोनों ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है, जो भी सवाल उठाए जाएंगे सदन में बस सदन चलना चाहिए। स्पीकर ने भी ये कहा है कि जो वक्त मिला है वो वक्त सार्थक रूप से होना चाहिए, उसे सार्थक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए एक तो जो झारखंड में एक छोटी विधानसभा है, 81 यहाँ सदस्य है, एक नॉमिनेटेड विधायक होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, तो कुल 82 विधायक यार पर बैठते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले जिस तरह की परिपाटी झारखंड में विधानसभा के सत्र को लेकर देखने को मिलती थी कि तीनों सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र मिलाकर तकरीबन 40 से ज्यादा बैठकें होती थी, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे ये प्रावधान जो है वो सिमटता जा रहा। मानसून सत्र हालांकि पिछली बार जब सरकार ने कॉल किया था तो महज 3 दिनों का था, उस वक्त कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये व्यवस्था की गई थी। और बीते 2 सत्र में मानसून सेशन में और बजट सेशन में एक जो सबसे बड़ी व्यवस्था और जो सबसे बड़ी खासियत झारखंड विधानसभा के अंदर है कि झारखंड में जब विधानसभा का सत्र आहूत रहता है तो सोमवार के दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होता है, जिसमें विधायक जो है वो सीधे तौर पर नीतिगत सवाल मुख्यमंत्री से सदन में पूछते हैं। लेकिन क्योंकि इसके लिए जो व्यवस्था थी कि जो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के लिए प्रश्न जो है वो सदन की कार्यवाही शुरू होने के 45 मिनट पहले जमा की जाती है, तो इसको बंद कर दिया गया था बजट सेशन और बीते मानसून सत्र के लिए। इस बार उस व्यवस्था को भी बहाल कर दी गई है, क्योंकि बजट सेशन में भी जब सोमवार के दिन कार्रवाई होती थी तो विपक्ष इस पर सवाल उठाता था कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री के प्रश्नकाल को स्पंज किया गया है। तो कई तरह के पहलू हैं जो इस सदन की ओर इशारा कर रहा है कि मानसून सत्र कैसा होगा, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि छोटा ही सत्र जरूर है लेकिन सार्थक सत्र होगा, जनहित के मुद्दे उठेंगे। बिल्कुल सार्थक होगा ये उम्मीद की जानी चाहिए विपिन। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प है कि देखिए जिस तरह से कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद है, विधायक दल की बैठक होने वाली है, वहां पर अपने विधायकों को वो टिप्स देंगे सत्र से पहले, ये टिप्स बहुत मायने रखेगा। दूसरी तरफ बीजेपी को भी देखिए, आप सेंकैया हैं यहां पर मौजूद, वो भी बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायकों को कुछ टिप्स जरूर देंगे, तो सत्र से पहले ये टिप्स दोनों पार्टियों के विधायकों के लिए बहुत मायने रखने वाला है, अगर सत्र जब कल से शुरू होगा उस वक्त। देखिए ये परिपाटी भी चली आई है कि जब भी सत्र आहूत होता है तो विधायकों के साथ पार्टी के नेता जो है वो बैठते हैं, और जो प्रमुख मुद्दे हैं जिसके आधार पर अगर हम बात करें ओपोजिशन की पार्टियां, तो वो तय करती है कि किन मुद्दों पर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरना है, प्रमुखता से किन विषयों को सदन में उठाना है। और जहां तक रूलिंग पार्टी की बात करें तो रूलिंग पार्टी भी अपने विधायकों को ये जरूर संकेत देगी कि सरकार के ऊपर लगने वाले आरोपों में किस हद तक जाकर विपक्ष के ऊपर सदन के अंदर करना है। तो तमाम चीजों को लेकर मंथन का दौर चालू हो चुका है, आज बैठकों का दिन है और कल से झारखंड विधानसभा की मानसून सत्र की कार्रवाई भी शुरू होने वाली, हालांकि कल पहला दिन है और कल सिर्फ शोक प्रस्ताव ही सदन में आएगा, लेकिन जो इस कल के बाद जो बचा हुआ 4 कार्य दिवस होगा वो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए, बैठकों का अभी दौर शुरू होने वाला है, और भी जानकारी आपसे लेंगे, फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए अब बैठकों का दौर है, कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है, रणनीति बनाने में जुटा है। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक भी होनी है, स्पीकर सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है, उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जो 5 दिनों का कार्य दिवस है ये सत्र है।